बड़ी खुशखबरी है लगातार जिस चीज का हम वेट कर रहे थे। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको पूरे अपडेट्स दूंगा विद फुल ऑथेंटिसिटी, सो हियर इट कम्स। बहुत बड़ा अपडेट आ गया गाइज। अभी हमारे लिए आप सभी जो लाखों बच्चे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड हो, एनआईएस हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, जिन्होंने पीआईएल दाखिल किया था, उसको रिगार्डिंग अपडेट बहुत अच्छा आ चुका है। आई विल शो यू राइट नाउ कि क्या कुछ अभी अपडेट्स निकले और क्या आपके कितने हक में गया फैसला या क्या हुआ, सारा कुछ इसके अंदर। लेकिन यार प्लीज ऑथेंटिसिटी के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि हम इधर वीडियो अपलोड करें और आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है फॉर योर यूनिटी, ठीक है। अब यहां पे देखो यहां क्या हो चुका है। यहां सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा चीज निकल करके आया, वो ये है कि भाई सबसे पहला चीज जो मैंने सुबह बताया था कि कोर्ट हियरिंग जब होता है तो सबसे बड़ी बात पहले होती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ऐसे नहीं होता कि कोई भी मामला जल्दी से पहुंच जाए और उसको एक्सेप्ट ही हो जाए, तो एक्सेप्ट होना ये एक बड़ा सक्सेस होता है। तो यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं रमन्ना सर, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है स्टूडेंट्स के इस पिटीशन को। गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू हियर प्लेयर टू कैंसल फिजिकल एग्जामिनेशन। देखो यहां पे क्या चीज हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जताई है टू हियर प्लेयर टू कैंसल फिजिकल एग्जाम्स ऑफ स्टेट बोर्ड सीबीएसई एंड आईसीएसई, बाबा की और भी शामिल है। तो यहां और क्या चीज निकल करके आया, देखो मैं आपको बहुत ही डिटेल वे में समझा दे रहा हूं। यूट्यूब में आपको इससे बड़ा ऑथेंटिसिटी के साथ में अपडेट आपको नहीं मिलेगा। यहां देखिए क्या चीज हुआ है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन मंडे एक्सेप्टेड अ रिक्वेस्ट मेड फॉर द अर्जेंट लिस्टिंग। गौर कीजिए, अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की गई थी कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। क्यों? क्योंकि एमपी बोर्ड में एग्जाम शुरू हो चुके हैं और एमपी बोर्ड के बच्चे भी इस पीएल में दाखिल शामिल हैं। इस वजह से यह मांग की गई कि अर्जेंट लिस्टिंग हो, तुरंत सुनवाई हो हमारे पीएल की। और फिलहाल के लिए एमपी को निर्देश भी दिया जाए कि भाई एमपी बोर्ड को कि भाई अभी एग्जाम्स को रोक दिया जाए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है अभी इस वक्त, ठीक है। तो क्या कुछ हुआ है देखिए, उन्होंने एग्री कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फॉर द कैंसिलेशन ऑफ फिजिकल एग्जाम्स फॉर क्लास 10 एंड 12 टू बी कंडक्टेड बाय स्टेट बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई एंड आईएनएस, ठीक है। तो यहां पे जो हमारे जो एडवोकेट हैं ऑन रिकॉर्ड प्रशांत प्रद्युम्न सर, उन्होंने पेटिशन किया था फॉर द अर्जेंट लिस्टिंग बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना सर, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या चीज हो गया, यहां पे पहले तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और यहां पे बहुत बड़ा चीज निकल करके आया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, लेट द मैटर गो बिफोर द बेंच ऑफ जस्टिस ए एम खानविलकर। पहचान रहे इनको, जस्टिस ए एम खानविलकर, ये खुद इन्होंने मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, मुख्य न्यायाधीश ने जो मामला है वो इस बेंच को सौंप दिया, ठीक है। किसके बेंच को? जस्टिस ए एम खानविलकर, जो कि जिन्होंने पिछले साल जो 2021 के बोर्ड एग्जाम्स थे उसके मामले को कह लीजिए कि पूरे चीज को इनके ही चीज नजर के सामने से गुजरा था, इन्हीं के बेंच में गया था वो वाला मामला भी। अब इसमें होपलेस होने की जरूरत नहीं कि उसमें क्या फैसला निकला नहीं निकला, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि यहां पे देखिए अर्जेंट लिस्टिंग तो हो चुका है, ठीक है। पेटिशन में बता दिया भी गया है कि भाई स्टेट बोर्ड जो है वो म्यूट स्पेक्टेटर्स बन गए हैं, मूक दर्शक बन गए हैं, बच्चों के सेफ्टी से कोई मतलब नहीं रह गया है और इस वजह से ये पीआईएल दाखिल करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ है, कुछ स्टेट बोर्ड्स ने जो है वो टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ जो है बोर्ड्स वो अभी भी स्टिल डिस्कशंस में हैं, अभी भी उनके अंदर में सिर्फ बहस चल रही है कि क्या कुछ होगा नहीं होगा। तो ये बड़ा अजीब सा चीज है, ठीक है। और मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं, देखिए यहां पे अर्जेंट वाला मामला क्या था, मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं। देखिए ये देखिए, यस देखो यहां पे सीधा सीधा कह दिया गया, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट इज कमेंसिंग बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 10 एंड 12 फ्रॉम 17 फरवरी से वहां पे एग्जाम शुरू हुए हैं एमपी गवर्नमेंट में, तो इंटरिम रिलीफ की मांग की गई है फॉर द इश्यूएंस ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है। एक डायरेक्शन निर्देश किया जाए टू द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश कि अभी होल्ड नहीं किया जाए बोर्ड एग्जाम को, ठीक है। बोर्ड एग्जाम को होल्ड नहीं किया जाए जब तक कि फाइनल आउटकम नहीं निकलता है रिट पिटीशन का, ठीक है। तो अभी देखना यहां पे ये है कि फाइनल क्या चीज निकल करके आता है। लेकिन गाइज ये एक अच्छी बात है, एक बड़ी विक्ट्री साबित हुई है हम लोगों के लिए कि भाई जो मामला है ये अब एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, सुनवाई शुरू हो गई। होप फॉर द बेस्ट। अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूनिटी शो करो, लेकिन 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 पढ़ाई टॉप पे, जैसा मैंने बार बार कहा, इसमें क्या कुछ निकलेगा नोबडी नोज। आप अपने पढ़ाई को तेज रखो, आगे रखो, और उसके बाद में अगर फेवर आपके आपके फेवर में गया
मामला तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो आगे निकल ही जाएंगे, है ना। तो प्लीज लिखना वी आर यूनाइटेड और आई हैव शेयर्ड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।